मेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन, ये घर बहुत अजीब है, ये घर बहुत अजीब है, ये घर बहुत अजीब है, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत अजीब है, ये घर बहुत अजीब है, ये घर बहुत अजीब है, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये घर बहुत अजीब है, ये घर बहुत अजीब है, ये घर बहुत अजीब है। क्या 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 कह रही थी तू? तो क्या आप दोबारा सुनना चाहती हैं? अगर मैं कहूँ हाँ तो? और अगर मैं कहूँ ना तो? हाँ, ये तो मुझे मालूम है कि इस जन्म में तो तू मेरी हाँ में हाँ मिलाएगी नहीं। वैसे सुबह सुबह सासू माँ आप कहाँ गई थी? ये पूछने वाली तू कौन होती है? यानी मैं आपसे सवाल भी नहीं पूछ सकती? नहीं, बहू को ये पूछने का कोई हक नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। तो आप ये सोचिए, आपसे ये सवाल आपके होने वाले पोते की बहू की सास पूछ रही है। क्या 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 कह रही है तू? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप आराम से सोचिए और मैं चली रसोई घर में। जब समझ में आ जाए ना तो बुला लीजिएगा। क्या समझती है अपने आप को, लेकिन ये मुझे कहेगी क्या गई है? मेरे होने वाले पोते की बहू की सास। तो आप समझ में आया कि क्या कहना चाहती है? अरे ओ मेरे होने वाले पोते की बहू की सास, जरा इधर तो आना। क्यों, आ गया समझ में? हाँ, आ गया समझ में, मेरे होने वाले पोते की बहू की सास। अब पूछ, क्या पूछना है तुझे? अच्छा, तो अब मैं सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, वैसे तो सचमुच में सास तो बनी नहीं है, ये तो तेरा सपना है, लेकिन फिर भी मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि तू पूछ। अच्छा, तो ये बताइए सासू माँ, आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? मैं तो मंदिर गई थी भगवान के दर्शन करने, कि वहाँ पर चड्डा जी। तो क्या आप चड्डा जी से मिलने गई थी? ए, अपनी जुबान को कंट्रोल कर, ये जो तेरी कैंची की तरह जुबान बात की कतरन कतरन कर देती है ना, इसे संभाल कर रख। चड्डा जी से नहीं, चड्डा जी की मिसेस से मुलाकात हुई थी मेरी। तो सीधे सीधे यूं क्यों नहीं कहती कि आप मिसेस चड्डा से मिलने गई थी? हाँ, मैं मिसेस चड्डा से मिलने के लिए गई थी। तुझे कोई तकलीफ है क्या? और जानती है उन्होंने क्या कहा? कहा क्या होगा, अपनी बहू की बुराई कर रही होंगी। हाँ, तुम जैसी बहुओं को तो यही लगता है कि जहाँ दो सास इकट्ठी हुई वही बहुओं की बुराई शुरू हो गई। तो इसमें झूट भी क्या है सासू माँ? अरे, तो इसमें सच भी क्या है? इसके अलावा हमारे पास कोई और काम नहीं है क्या करने के लिए? और ये तू वकील की तरह ना मुझसे जिरह मत किया कर कि क्या सच है और क्या झूठ है। मुझे तो मिसेस चड्डा ने दोपहर को डिनर पर बुलाया। डिनर? अच्छा, तो आप जरूर जाइएगा। मैं तो जरूर जाऊंगी दोपहर में डिनर पर। मैं तो जरूर जाऊंगी दोपहर में डिनर पर। सोच रही हूँ यही सूट पहनकर चली जाऊं डिनर पर, लेकिन ये सूट तो प्रेस ही नहीं है, और इसने मेरा ये सूट जानबूझकर प्रेस नहीं करवाया होगा। अभी पूछती हूँ इससे। बहू, अरे ओ बहू, अरे ओ सपनों में खोने वाली मेरे पोते की बहू की सास, जरा बाहर आकर मेरी बात तो सुन। कहिए, फरमाइए। तुमने मेरा ये सूट प्रेस क्यों नहीं करवाया? भूल गई। अरे वाह, कैसे भूल गई? तू मेरा काम कैसे भूल गई? क्यों, बहू को भूलने का हक नहीं है? आजकल तुम हक की बहुत बात करती हो। क्यों, क्या बहू हक की बात नहीं कर सकती सासू माँ? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ये बताओ कि तुमने मेरा ये सूट प्रेस क्यों नहीं करवाया? वो क्या है ना सासू माँ, आपका इतना कीमती सूट है, मैंने सोचा कहीं जल गया तो। अच्छा,
तुम्हें मेरे कीमती सूट की चिंता कब से होने लगी? मुझे तो आपके सारे कीमती सामान की चिंता है सासू माँ। क्यों नहीं होगी मेरे कीमती सामान की चिंता? तुम जानती जो कि मेरे मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। नहीं, गरीबों में बैठ दूंगी। तुम वो सारी बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें मेरा सूट कब से कीमती लगने लगा? क्योंकि ये सूट मैंने आपको दिया था अपने पहले करवा चौथ पर। अपने पहले करवा चौथ पर तुमने मुझे दिया था, वो भी उधार और मुझी से पैसे मांगकर। अब जल्दी से इसे प्रेस कर दे, मुझे ये सूट पहन कर जाना है। अगर मैं कहूँ कि मुझे प्रेस करना नहीं आता तो मैं ये कहूँगी तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया ही नहीं। तो मान लीजिए, क्योंकि मैं प्रेस करने वाली नहीं हूँ। देख, जिद मत कर, चुप करके इसे प्रेस कर दे, मैंने पहन के जाना है। सासू माँ, अगर जल गया तो? अरे कैसे जल जाएगा? मान लो अगर जल गया तो? अरे कैसे मान लो, जब जलेगा तब देखा जाएगा। समझ लीजिए ये जल गया। अरे कैसे समझ लूं कि जल गया? मानने में क्या हर्ज है? और नहीं मानने में क्या हर्ज है? तो आप मानने वाली नहीं? नहीं। अगर ये जल गया तो? हरगिज नहीं। तो ठीक है, मत मानिए, लेकिन ये जल गया सासू माँ। मेरा इतना कीमती सूट जल गया। बहू ने मुझे सच सच बता कि मेरा सूट कब, किससे, कहाँ और कैसे जला? आपका पहला सवाल कि ये कैसे जला, तो सासू माँ ये रसोई घर में गैस के चूल्हे से जला। कब जला? कब जला? जब सूरज पश्चिम से ढल रहा था और चांद निकलने वाला था तब जला। कहाँ जला? बताया ना, गैस के चूल्हे से जला। और गैस का चूल्हा कहाँ है? रसोई घर में। अब तो मुझे ये भी बता दे कि ये किससे जला। अगर मैं कहूँ कि मैं ये बताना जरूरी नहीं समझती तो? अरे क्यों जरूरी नहीं समझती? कमाल है, जब कह रही हूँ कि जरूरी नहीं समझती तो जरूरी नहीं समझती। अब आप इतना तो समझ सकती हैं, और अगर आप इतना भी नहीं समझती सासू माँ, तो इसका मतलब आपकी समझदारी जरा कमजोर है। देख देख, तू ये लंबी लंबी बातें करके ना मुझे परेशान मत किया कर, ये बता कि ये किससे जला। इस घर में कौन कौन है सासू माँ? मैं और तू। हाँ, तो आपने ये जलाया नहीं, अब आप सोच सकती हैं कि ये किससे जला। तो मेरा ये कीमती सूट तुझसे जला? मैंने कब कहा कि मुझसे जला? मैं क्या कोई आग हूँ? अरे तू तो ऐसी खतरनाक आग है जिसने मेरे घर के सुख चैन को ही स्वाहा कर दिया है। सासू माँ, हाय राम, कितना प्यारा सूट था मेरा। जो मैंने दिया था, मैं दोपहर को डिनर पर क्या पहन के जाऊंगी? कोई दूसरा पहन लीजिए। हाँ हाँ, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मेरे पास बहुत सारे सूट रखे हैं। अरे इतने सारे सूट और साड़ियाँ तो है, सारी अलमारी भर रखी है। जैसे तू मेरे खाने पीने पर नजर रखती है, वैसे ही तू मेरे कपड़ों पर भी नजर रखती है। मैं क्यों रखूंगी आपके कपड़ों पर नजर? अरे मैं सब जानती हूँ, मेरे हर सामान पर, हर कीमती सामान पर तेरी नजर रहती है, इसलिए तो तेरी बुरी नजर मेरे इस सूट को लग गई और ये जल गया। काश काश कि मेरी नजर इतनी बुरी होती। क्या कहना चाहती है तू? रहने दो, आपको बुरा लगेगा। इतने साल तो हो गए ये सब बुराइयां सहन करते हुए, कह ले और भी कुछ कह ले, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सासू माँ, मेरी नजर तो हमेशा आप पर भी है। क्या जी?